proved that 24 term is double the 19 term. अच्छा यहाँ पे हम ले लेते कि let a be the first term and d be the common difference of the given AP. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d है और a फर्स्ट टर्म है, तो नाइन टर्म दिया है, AP का जीरो है. टू प्रूव 29 टर्म इज डबल द 19th टर्म. चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रूफ जो भी है, नाइन्थ टर्म हमारा जीरो है, यानी कि हो जाएगा a प्लस का 8d इक्वल टू जीरो, है ना जी. चलिए आप एक काम कर सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू में माइनस का 8d, है ना, इसकी जरूरत के अनुसार. चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आर एच एस टू टाइम्स ऑफ 19th टर्म. तो टू a प्लस का यहां पर 18d कर देते हैं, है ना जी, है कि नहीं. तो 2 इंटू ए की जगह पे ले लेते हैं माइनस का 8d और प्लस का 18d, तो 2 इंटू में आ जाएगा 10d जो कि हो जाएगा 20d के इक्वल, ठीक है ना जी, 20d हो जाएगा. अब इस 20d को हम लोग एक काम करते हैं, लिख देते हैं a प्लस 28d और माइनस का a कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए हो जाएगा कि नहीं, ए से कटेगा फिर, सॉरी माइनस का 8d करते हैं तभी ना ये 20 आ जाएगा. अच्छा ए एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ए एक्स्ट्रा देते, एक काम करो इसमें माइनस a भी दे दो, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा a 29, और देखो यहाँ पे माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो a प्लस का 8d हो जाएगा ना, ये तो जीरो ही है ऊपर, है कि नहीं. तो ये a 29 और माइनस जीरो, तो a 29 ही आएगा. तो हमने प्रूव करके दिखा दिया ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि a 29 जो है इक्वल है टू टाइम्स ऑफ 19 टर्म. समझ गए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए.